Hey guys, welcome back to Blessings Channel. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. So today's Nupika Crystal is reading about Kim. आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या रिएक्शन होगा अगर उन्होंने देखा कि कोई आपसे फ्लर्ट कर रहा है, somebody is trying to flirt with you, उनका क्या रिएक्शन होगा. ओके, मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें किसी ने कमेंट किया था, उस पर बहुत सारे लाइक्स थे, तो आई थॉट मे बी दिस इज अ डिमांड. ऑलराइट, तो इंट्यूटिवली आपको अपना ग्रुप चूज़ करना है. दिस मेरे पास दो क्रिस्टल्स हैं. क्रिस्टल वन इज दिस पिंक, लाइट पिंक, पाइल वन, पाइल टू डार्क ब्लू वंस. ओके, तो अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप. आज की ये रीडिंग टाइम टू टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको. हेलो हेलो ग्रुप वन, ये वाले अगर आपके क्रिस्टल चूज़ किया था जी, देखते हैं क्या आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन होगा. इफ समबडी इज़ ट्राइंग टू मेक फ्लर्ट विद यू, कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्या उनका रिएक्शन होगा आपके स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस का. अगर वेदर आप उनके साथ अभी मैरिड हो या नहीं हो, उनके साथ वैसे ही डेट पर हो या मैरिड हो, वट एवर जो भी सिचुएशन है आपकी. अच्छा जी, एट ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स. गाइस, ये उनका रिएक्शन था आपकी तरफ कि वो आपको आपसे क्या कहेंगे. एंड दूसरा स्प्रेड में लगा रही हूँ कि हाउ दे विल रिएक्ट towards that person, या जो भी सिचुएशन है उसके लिए. ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. ओके गाइस, आपके यू नो पर्सन का जो रिएक्शन है, ठीक है, पहली तो बात जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक्सट्रीमली सेल्फ विक्टिमाइजेशन का यहाँ पर सीन है. सेल्फ विक्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? मतलब उनको ऐसे लगेगा कि यू नो कि मेरी गलती है ये. इफ़ समबडी इज़ ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू, ठीक है, उनको ऐसे लगेगा कि शायद मैं इसकी इतनी केयर नहीं करता, या ये मेरी गलती है, मैंने इसको सही प्रोटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से कोई और इस पे नज़र रखे हुए है, या मैं मतलब वो कोशिश करेंगे आपको और मतलब प्रोटेक्ट करने की. ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है कि मतलब आपको और प्रोटेक्ट करें, आपको और जो है वो फैमिली प्रोटेक्शन देने की कोशिश करें किसी भी तरह से, ठीक है. उनको ना पता नहीं क्यों एक गिल्ट मुझे लग रहा है, गिल्ट उनका ऐसे आने लगा है दिल में कि यू नो वो ऐसे लगेगा उनको जैसे मेरे में कोई कमी है, मैंने कोई मतलब इस रिलेशनशिप पर वर्कआउट इतना नहीं किया, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ है. दूसरी बात है कि हर्मिट का कार्ड है, मे बी वो अपने अंदर कोई ऐसा तलाश करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी चीज़ के यू नो जिससे आप खुश हो सको या जो भी है, क्योंकि ऐसे मुझे लग रहा है कि आप ही अपसेट हो जाओगे सारे सिचुएशन में जो बनी हुई है, ठीक है. तो जहाँ तक उस पर्सन की तरफ उनका रिएक्शन है, आपके पर्सन का रिएक्शन अब्रप्ट होगा. अब्रप्ट मीन एक सडन होगा उस इंसान की तरफ जो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. अब क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड इज़ वेरी फास्ट, एकदम फास्ट एक्शन होगा, उसको परे करेंगे, उससे उसको पॉसिबल है उससे लड़ने को भी तैयार हो जाए. नाइट ऑफ सोर्ड है, ई कैन डू एनी थिंग, कुछ भी कर सकता है नाइट ऑफ सोर्ड. ओके, ना आपके जो पति हैं या बॉयफ्रेंड है जो भी है, पॉसिबल है वो काफ़ी हाई फाई चीज़ हो, ठीक है, काफ़ी वेल्दी भी हो सकते हैं, या कुछ जानी मानी हस्ती भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ है. मे बी वो कार्ड भी यूज़ करें, मतलब टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है. यहाँ पे मनी गिविंग का है, पॉसिबल है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये तो बिल्कुल ही एक मतलब क्या ऐसे कहते हैं, पैसे देने की बात है, बिल्कुल डिफरेंट बात है कि अगर वो उनको देने पड़े पैसे के, मतलब
जाओ तुम यहाँ से, मेरी गर्लफ्रेंड की जान छोड़ो या जो भी, वो पीछे से बैक ऑफ द माइंड उसके साथ कोई ऐसी डील भी कर सकते हैं। आई डोंट नो ये कौन है, आपके एक्स हैं या जो भी हैं जो आपको सब फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे, या कोई और भी हो सकता है, बट यू नो सेवन ऑफ सोर्ड इज़ डूइंग समथिंग बैक स्टेज बिहाइंड द सीन। ठीक है, पॉसिबल है आपको घर छोड़ने के बाद, ड्रॉप करने के बाद वो दोबारा उसके पास जाए। ठीक है, दोबारा उसके पास जाए और उसको कहे भाई तुमको क्या मसला है, तुमने ऐसे क्यों किया। ठीक है, तो तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए पैसा चाहिए जो भी चाहिए आई विल गिव यू। ठीक है, बट नेवर डू दैट अगेन, दोबारा ऐसी नहीं करना है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि यू नो पॉसिबल है उनकी कुछ झगड़ा हो सकता है, उसकी उसे बहस हो सकती है, इवन हाथापाई भी हो सकती है। ओके, लेकिन ये पर्सन ज़्यादातर पीसफुल मुझे लग रहा है, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, लड़ाई झगड़े के कम ही चांस है, तकरीबन 20% लगा ले। ठीक है, लेकिन यू नो ये आपके जो स्पाउस हैं ज़्यादातर एमिकेबल तरीके, मतलब प्यार मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत उनको नहीं आएगी उस पर, बट यू नो विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी ब्रॉल, किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने, फिजिकल लड़ाई झगड़े में पड़ने के बजाय। एक तो इनको ये अपने ऊपर बहुत सेल्फ विक्टिमाइजेशन होगी कि मतलब मैंने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया, या मैं ही इसको इतना प्यार नहीं करता, या उस पर इतना काम नहीं किया मैंने इस रिलेशनशिप पे कि इसकी नज़र उधर जा रही है या और एक नज़र इस पर पड़ रही है। ठीक है, तो एक बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन है, वो आपको भी समझाएंगे कि यू नो ज़रा होश के ना खुलो या व्हाटएवर, या अगर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है तो ऑब्वियसली आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उधर जाकर वो करेंगे। लेकिन यू नो सीन पर, ऑन द सीन ये बंदा लड़ाई करने वाला नहीं है, ये इंसान दोबारा से जाएगा उसके पास आपको छोड़ करके। ठीक है, आई डोंट नो उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, उसकी बाइक का नंबर नोट कर लें, या जो भी है, तो इस तरह की फिर जाके उससे जो है ना दो दो हाथ करेंगे, भी इधर आओ ना ज़रा, क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें। ठीक है, अच्छा जी, उनकी एनर्जी क्या है, या जैसे इम्पॉसिबिलिटीज़, ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उनके कोई पता नहीं कि जब वो दोबारा उसके पास जाएं तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर यू नो बहुत सारे डोर्स ओपन हैं, ये भी हो सकता है कि वो और लोगों को भी अपने साथ लेकर के जाएं वहाँ। ठीक है, बड़ा ही जो वो गैंगस्टर नहीं, गैंगी टाइप लग रहे हैं। एनी वेज, यिन एंड यांग है गाइज, बैलेंस तो है ये। ठीक है, आपके ये यू नो डिवाइन पार्टनर भी हो सकते हैं, यिन एंड यांग भी हो सकते हैं आप दोनों, लेकिन यू नो एक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही पोजेसिव है, एंड इमोशनली फूल नहीं है ये, कि अगर पोजेसिव है तो पागल हो गए हैं और हम लोग अपना वही खो बैठे हैं, दिमागी हालत ही अपनी ख़राब कर बैठे हैं। ये इंसान ऐसा है कि ये देखता है कि हर जो ये ना यंग है ना, इसका मतलब होता ही ये है कि हर बुराई में एक अच्छाई है और हर अच्छाई में एक बुराई है। ठीक है, तो उनको ये लगेगा कि ऐसा अगर हुआ है, ऐसा इवेंट हुआ है, वैसे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ भी है तो उनको ऐसे लगेगा कि ये किसी वजह से हुआ है, शायद मेरे लिए कोई वार्निंग है, शायद मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए। बहरहाल ये इंसान ऐसा अपने अंदर गलतियाँ निकालता है अगले को छोड़ के। ठीक है, ऐसे ऐसे इंसान होते काम है, मैजिशियन एट द मिरर। ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू बैलेंस आउट हिज इमोशंस, गुस्सा उनको काबू में नहीं आ रहा होना, एंड लेकिन दे विल ट्राई देयर मैक्स टू बैलेंस द इमोशंस, टू बैलेंस द एंगर। ठीक है, तो बहरहाल ऐसे हॉट एंड कोल्ड हो रहे होंगे दिल दिल में, ऐसे जैसे फटने वाला इंसान होता है, लेकिन ये इंसान जाहिर नहीं करेगा, ऊपर से ऐसे ही शो करेगा कि ही इज़ बैलेंस्ड। ठीक है, ये बहरहाल पीछे से जाकर ना बैक ऑफ द स्टेज जाकर उसको सबक सिखाएगा। ठीक है, वो बिन होल्डिंग अ हार्ट गाइस, आपने यू नो ऐसे इनका दिल काबू में किया हुआ। ठीक है, तो बहरहाल आपको कोई कुछ कहे तो उनके भी दिल पे बस बहुत बुरी गुजरती है। ठीक है, इमोशंस इनकी कंट्रोल में नहीं है, एंड कंट्रोल में ऑब्वियस सॉरी हैं, बट उस टाइम उनको थोड़ा डिफिकल्ट होगा इमोशंस को कंट्रोल करने का। ठीक है, सो स्लो डाउन, मैंने आपको बताया कि इंसान अब्रप्ट रिएक्शन जो है उस टाइम नहीं लेगा, बाद में बहुत हर किस्म कार्ड में एक ही वाइब आ रही है,
के बाद वो कहते हैं ना कि लड़कों की टिपिकल लैंग्वेज होती है, मेरे से बाहर मिल ज़रा, बोला ही साहब है ठीक है, चूज़ लव, ऑब्वियसली दे विल चूज़ यू, आप पे कोई ब्लेम नहीं लगेगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली वो आपसे मोहब्बत करते हैं, एंड रिलेशनशिप लेटर्स टेक स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज द नीड फॉर द चेंज, या अगर बहुत सारी स्ट्रेंथ उनको चाहिए, बहुत सारी करेज उनको चाहिए टू सी दिस थिंग, ठीक है, क्योंकि वो नहीं देख सकते ऐसा कुछ भी इवेंट हो, लेकिन अब हो चुका है तो उनको यू नो देखा है उन्होंने, लेकिन कुछ जज्बात जो है इस बंदे के कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, एनीवेज फिजिकल टच, सो आई थिंक आप अगर मैरिड हो उनके साथ तो दैट नाइट विल बी टू मच राउंड्स, ठीक है, आई डोंट नो दैट्स पनिशमेंट और यू नो मेकअप, यू नो क्या उसे कहते हैं, मेकअप लव मेकिंग यही कहते हैं ना शायद, तो गुस्से के बाद जब वो यू नो दोबारा मिलन होता है ना तो दैट इज़ वेरी वेरी हॉट, दैट इज़ वेरी वेरी जिसे कहते हैं बहुत उसमें इमोशंस होते हैं और उसमें थोड़ा सा एंगर भी शामिल होता है, मोहब्बत भी होती है, जेलसी भी होती है, जेलसी तो बहुत लग रही है भाई यहाँ पर के पार्टनर की, ठीक है, एंड वो जो नाइट है आपकी वो आप थोड़ा सा प्रिपेयर खुद को कर लीजिएगा, ठीक है, खाना पीना ज़रा प्रॉपर खा लीजिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वार्म एंड हॉट, ओके, अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, सो दिस वॉज योर फर्स्ट स्पाउस रिएक्शन, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर, हेलो क्यूटी पाई, ये वाला आपका स्टोन था क्रिस्टल ब्लू वाला, चलें जी देखते हैं कि कैसा रिएक्शन रहने वाला है आपके स्पाउस का, समबडी इज़ फ्रॉडिंग विद यू, ठीक है, पहले मैं रिएक्शन देखूँगी, स्प्रेड लगाऊँगी उनका रिएक्शन आपकी तरफ एंड देन उस पर्सन की तरफ जो कि फ्लर्ट कर रहा है या वो सिचुएशन की तरफ आपके लिए है जी, ऐसा वर्ड्स और है, ओके, वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वर्ड्स आपकी तरफ रिएक्शन है जी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके है, उस पर्सन की तरफ क्या रिएक्शन रहेगा जी, इनका चैरियट, ओ माय गॉड, ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स जी, बड़े स्पाउस आपके गुस्से वाले हैं, आपकी तरफ जी रिएक्शन रहेगा उनका, यू नो आपको तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कहना, ठीक है, बिकॉज एक एक्सट्रीम किस्म की मोहब्बत है, बहुत ही यू नो अट्रैक्शन बहुत है इस कपल में, बहुत पसंद करते हो एक दूसरे को, ठीक है, एंड यू नो एक ऐसी जैसी उनको अपनी दुनिया नज़र आती है आपके अंदर, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन यू नो उनको दिल में थोड़ा सा आपके लिए फिर भी मलाल आएगा कि यू नो इसको भी रिएक्ट करना, शायद आप रिएक्ट बिल्कुल नहीं करोगे, उनको वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप उसको आगे से कुछ कहोगे लेकिन आपने नहीं कहा, उस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि शायद अब उनको होगा कि मैं इसको मतलब फिनेंशियली फुल रखता हूँ, यू नो वैसे एज अ हस्बैंड जो सेटिस्फेक्शन होती है आपकी बेड पर वो भी इसको फुली सेटिस्फाइड रखता हूँ, इसको प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा देता हूँ, पूरी दुनिया अपने इसको मैंने बनाया हुआ है, स्टिल शी डिडंट रिस्पॉन्ड, स्टिल शी डिडंट रिस्पॉन्ड, तो थोड़ा सा इसलिए इनको थोड़ा सा है आप पे थोड़ा सी नाराज़गी ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, मैं दिल में ये नहीं कि मुँह पे नहीं, शायद दिल में थोड़ा सा उनको होगा, लेकिन ये जो आओ जिसने किया है ये सब उसकी खैर नहीं है यहाँ, ठीक है, उसकी बिल्कुल खैर नहीं है, बहुत ही यू नो एक तो उनका बस नहीं चलेगा उसका ना, उसको जाके ऐसे ऐसे जैसे खंजर मार दें उसको, ऐसे ऐसे यू नो कुछ कर दें उसको, उसका बस काम तमाम कर दें उसका, ठीक है ना, ख़त्म कर दें उसको, तो बहुत ही गुस्से वाले हैं भाई काफ़ी उनको, मुझे ऐसे देखना पड़ा कि अगर वो उनको नहीं जानते उसको इंसान को,
उसको सर्च करेंगे, जैसे मर्जी करेंगे, कौन है उसके पीछे जाएंगे, जितनी देर जा सकते हैं ना उतना वो जाएंगे, उसको चेज करेंगे कि ये कौन, किसने जरूरत की है, ठीक है। एंड मतलब एक एक न्यू, मतलब क्या मैं कह सकती हूँ कि मतलब वो किसी लिमिट तक जा सकते हैं, ये बहुत ही गुस्से वाले हैं, उसको बहुत ही गुस्सा आएगा उस पर इंतहाई हद से ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एज इफ थोड़ा सा यहाँ पर फिज़िकल लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन काम डाउन नहीं होंगे, बिल्कुल वो चिल नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी वो मतलब प्यार सलूक मोहब्बत से बिल्कुल भी मसला हल नहीं करेंगे। हो सकता है उसका गिरेबान पकड़ लें जाके, हो सकता है उसको एक दो पंच लगा दें, हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। यू नो आपके पर्सन का कोई पता नहीं है, बिल्कुल हाईली अनएक्सपेक्टेड इंसान है, एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है, एकदम से वो कूल डाउन भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा उनको एकदम से आता है, ठीक है। एंड यू नो सेवन ऑफ कप्स के साथ ही विल ट्राई डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू चेज हिम, ये कौन है, ठीक है। चाहे आई डोंट नो यू आई नो ये थोड़ा सा चीप हरकत है, लेकिन वो ऐसा करेंगे क्योंकि ऐसी इनसिक्योरिटी से मुझे आ रही है इनकी फीलिंग। वो हो सकता है आपको सोशल मीडिया भी चेक करें कि कहीं आप इनको पहले से तो नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड है थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का कि आप इनको पहले से तो नहीं जानते। तो वैसे तो अगर आप इनको यू नो श्योरिटी दिला देंगे कि नहीं मैं नहीं जानती, या जो भी सिस्टम है, या जानती भी अगर हो तो ये मैं बता दूँ आपका आपके पर्सन को ना बहुत से ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, एंड कुछ भी हो सकता है उस टाइम, ठीक है, आप चुप ही रहिएगा। एंड उसके बाद रात को जो है जो बोथ विल अराइव, पॉसिबल है उनका मूड ऑफ हो आपके साथ, ठीक है, उनका मूड ऑफ हो सकता है, उनका यू नो ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको देखें गुस्से से भी या जो भी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि उस रात आपकी शामत थोड़ी सी आने वाली है, ठीक है, ऑन बैड वैसे नहीं, ऑन बैड वैसे थोड़े से रफ हो सकते हैं वो, एंड पॉसिबल है कि आप खुद ही कहें कि जस्ट स्टॉप इट, और वो ओके कि नो आई वोंट स्टॉप टुनाइट, ठीक है। बहरहाल उनको गुस्सा चढ़ाना काफ़ी आपको महंगा पड़ सकता है, आई नो आपने जान के नहीं चढ़ाया, इट जस्ट हैपन्ड अनएक्सपेक्टेडली या जैसी इतफाक से हुआ है, बट यू नो उनको अपना गुस्सा तो ठंडा करना है ना, बिकॉज दे कांट शेयर यू, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पजेसिव अबाउट यू, बहुत ही ज़्यादा पजेसिव हैं आपको लेकर के, कुछ भी कर सकते हैं आपको अपने साथ रखने के लिए, आपको पाने के लिए, या मतलब कोई आप पे नज़र उठा कर देखे ना, बस उसका तो उन्होंने बस कर देना है काम ख़त्म, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की, और उनका कुछ दिन और भी मूड ऑफ हो सकता है, आप मना लेना ना, आप अब यू नो पत्नी के हाथ में बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, हस्बैंड को कैसे करना है, देखा एंग्जाइटी, देखे एनर्जी उनकी, ये देखे ये हालत रहेगी उनके दिल की, कि मतलब कि वाई वाई विद मी वाई क्यों ऐसा हुआ, एंड बहरहाल एनीवेज एक्शन, मैंने कहा ना एक्शन लेंगे, यहाँ पर भी ये जैरेट का कार्ड एक्शन में ही था, कोई ना कोई एक्शन भाई वो ज़रूर लेंगे, यहाँ तो वो आई डोंट नो आपके कपड़े रिवीलिंग थे या आपने कुछ किया वैसा वैसा, बहरहाल दे विल डू एनीथिंग, वो कुछ भी एक्शन लेंगे, यहाँ तो उस पर्सन के पीछे जाएंगे, ठीक है, या जिसकी भी गलती थी, या आपने कुछ किया है तो आपको वो कहेंगे कि भाई ये क्या है, ठीक है। बहरहाल मुझे बहुत ही एक्शन में लग रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वो नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी भी कीमत पर कि कोई आपको देखे या ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, उनके से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ओह माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग, व्हाई ग्रुप टू आप तो गए हैं काम से, स्टॉर्म वार्निंग, लड़ाई झगड़ा दोनों का आपस में गाड़ी में, लगता है वापसी पे झगड़ा ही होगा आपका, ठीक है,
या ये भी हो सकता है कि उस पर्सन के साथ झगड़ा हो जाए, काफ़ी लड़पड़ा ज़्यादा हो जाए, हो सकता है उनको अपने को दोस्त वोस्त भी बुलाने पड़ जाए और लोगों को बुलाना पड़ जाए। ठीक है, दिस इज़ अ बिग फाइट ओवर हियर, माय गॉड, इतने खतरनाक कार्ड्स, माय गॉड। एनीवेज, इनडिसीजन, वही ना, मतलब आपके पर्सन इनडिसीजन मोड में है, उनको समझ ही नहीं आई कि गलती किसकी तौर से हुई है। पॉसिबल है वो आप पे डाउट करें, गाइस आई एम सो सॉरी, लेकिन ये यहाँ पर है एनर्जी। ठीक है, शायद ट्रस्ट इश्यूज हाँ होंगे आप दोनों के बीच में, या आप खूबसूरत ही इतनी हो या अट्रैक्टिव इतनी हो, या उधर आपने कपड़े कुछ इस तरह के पहने हुए हों कि आपके पर्सन मुझे इनसिक्योर लग रहे हैं माइंड में, उनको ऐसे लगेगा कि मैं इसके लिए इनफ नहीं हूँ शायद, शी डिज़र्व समथिंग बेटर, शी डिज़र्व समथिंग मोर। हालांकि ऐसा नहीं है, आई नो आपकी जो एनर्जी है ना, आप यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद योर हस्बैंड स्पाउस, लेकिन उनको ऐसा लगेगा कि शायद मैं ही काफ़ी नहीं था इसके लिए। ठीक है, बहरहाल बहुत ही गुस्से में है, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हो गया सो हो गया, एनीवेज पेशेंस, मेरे ख्याल में ये आपकी एनर्जी है, आप उनको पे कूल डाउन रहने का कहेंगे, आप उनको कहेंगे कि बेबी जस्ट कूल डाउन, बस चला गया, वो चला गया, उसने उसको नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ, उसको नहीं पता था कि आई एम ऑलरेडी कमिटेड, इसलिए उसने ऐसा किया होगा, कुछ इस तरह का आप उनको कूल डाउन करने की कोशिश करेंगे। एंड गॉडेस ऑफ द मून, माय गॉड कितने क्यूट हो आप, मुझे ऐसे लग रहा है आप फौरन से पहले ना प्रार्थना दुआएं, जो भी आपकी रिलीजन अकॉर्डिंग आपने दुआएं शुरू कर देनी है कि ये बस सीन कूल डाउन हो जाए, मसला सॉर्ट आउट हो जाए भगवान के आगे फटाफट, या अल्लाह के आगे फटाफट तस्बीह शुरू कर दी, कुछ भी यू नो पढ़ना शुरू कर दिया मुँह में कोई। माय गॉड कि लड़ाई और ना बढ़े। ठीक है, डोर टू वैल्यू, बहरहाल बहुत ही वैल्यूएबल हैं आपके लिए ये, आप इनके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, जब भी तो उनको गुस्सा आया। ठीक है ना, जब कोई अपना नहीं होता तो किसको गुस्सा आता है किसी पर, है ना, वो कहते हैं भड़ में जाए मेरे को क्या, ठीक है ना, मुझे तो अपना मतलब निकालना है। बहरहाल दिस पर्सन इज़ वेरी ट्रू विथ यू, दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ एब्सोल्युटली श्योर, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी लॉयल, वेरी वेरी ट्रू विथ यू। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी एनर्जी आई है एकदम अब्रप्ट रिएक्शन की, एंड द थिंकिंग मैन, सोचते रहेंगे। ठीक है, सोचने दें उनको, हाँ बस अपना वो अपना आप ठीक रखें, तो बहरहाल काफ़ी देर तक सोचेंगे, सोचने दें उन्हें, कोई बात नहीं, मेरा मशहूर है यही है। बहरहाल काफ़ी आई कैन सी ट्रू फीलिंग्स ओवर हियर, आई कैन सी ट्रू लव, ट्रू फीलिंग्स, लव बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम, काफ़ी ट्रू लव है, ऐसे वैसे होते नहीं हैं लोग आजकल, यू नो नो बडी केयर्स फॉर एनी बडी, बेशक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी लोग आजकल केयर नहीं करते, लोगों को अपने मतलब निकालने से पड़ा होता है। बहरहाल आपके स्पाउस बहुत ने दिल से मोहब्बत करते हैं आपको। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी, ये इनका रिएक्शन था, बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर।